संक्रांति खिचड़ी पर्व पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश योगी आदित्यनाथ ने दी प्रदेशवासियों को बधाई की सबके सुख व मंगलमय जीवन की कामना। कहा, प्रकृति के साथ तारतम्य स्थापित करने का अद्भुत आयोजन है मकर संक्रांति। पूरे प्रदेश में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व सुविधा के लिए है व्यापक इंतजाम। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार की सुबह 4 बजे चढ़ाई गुरु गोरखनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी। बाबा का विधिवत पूजन कर की लोक मंगल की कामना। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी निवेदित करने उमड़े लाखों श्रद्धालु। मकर संक्रांति के अवसर पर भारी संख्या में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु गोरखनाथ को चढ़ाया पवित्र आस्था की खिचड़ी। परिवार के सुख समृद्धि की गुरु गोरखनाथ से की कामना। गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्थापित कैंप का उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा किया गया शुभारंभ। कहा, खिचड़ी मेले में आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एनडीआरएफ एसडीआरएफ 26वीं वाहिनी पीएसी आपदा शकी व स्वयं सेवकों की लगाई गई है ड्यूटी। सभी आपदाओं से निपटने के लिए है तैयार आपदा प्रबंधन विभाग। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर तारामंडल स्थित एक निजी लॉन में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बसपा कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से मनाया बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन। जिला महिला अस्पताल में रोजाना 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को लगने वाले टीके का नियमित टीकाकरण अभियान का सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने फीता काटकर किया शुभारंभ। अपने हाथ से लगाया एक बच्चे को टीका। कहा, सुरक्षित व असरदार है सरकारी अस्पताल का टीका। 23 शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर सोमवार को छोड़कर प्रतिदिन लगेंगे टीके। मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में लगे मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने मेले में लगे विभिन्न प्रकार के झूलों का जमकर उठाया लुत्फ। और मकर संक्रांति के अवसर पर विशिष्ट जनों ने प्रदेशवासियों को दी खिचड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। कहा, लाखों नागरिक हर वर्ष गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के अवसर पर गुरु गोरखनाथ को चढ़ाते हैं आस्था की खिचड़ी। सामाजिक सामंजस्य एवं सद्भावना का प्रतीक है खिचड़ी का पावन पर्व।